संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब ईडी को 5 दिन की रिमांड सौंप दी गई है संजय सिंह की। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आया। केजरीवाल ने कहा है कि पूरे देश में डर का माहौल है, फर्जी केसेस बनाए जा रहे हैं, अगर शराब घोटाला साबित नहीं हुआ तो बीजेपी कोई और नया घोटाला ले आएगी। इस पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से बयान सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता ही नहीं बिजनेसमैन भी डर के माहौल में। अरविंद केजरीवाल जो बयान देते हैं उसमें उनकी हताशा, निराशा, छटपटाहट दिखाई देती है। अगर उनको ये घोटाला फर्जी लग रहा है तो उनसे पूछे कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बड़ाई का काम सीखने के लिए भेजा है, क्यों जमानत नहीं हो रही? और अगर ये घोटाला फर्जी था तो शराब नीति वापस क्यों ली जैसे जाँच शुरू हुई? अगर नीति ठीक थी तो चलने देते। अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं, उनको मालूम है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए कि वो जांच जब तक उनके तक नहीं पहुंचे वो भी शोर मचा रहे हैं और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी, सच सामने आएगा। ईडी की कार्रवाई जिस तरह से हुई है उस पर कांग्रेस ने समर्थन दिखाया है, अब उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस के समर्थन से। यानी एक तरफ तो इंडिया अलायंस की बात हो रही है और जो संजय सिंह सूत्रधार माने जाते हैं, तो क्या माना जाए कि पहली गिरफ्तारी में दरार दिख रही है? देखिए, भ्रष्टाचार में डूबे हुए दल है, अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को दुत्कार रहे हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता वहाँ शरणागत हो रहे हैं, तो अब ये तय कांग्रेस को करना है कि वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन करे या उसका प्रदर्शन करे उसके खिलाफ। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि अभी तक जो किंगपिंग है वो सामने नहीं आ पाया, तो अब आपकी क्या मांग है? किंगपिंग सबको पता है सामने है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ेगी वो किंगपिन भी वहाँ जाके अपना अपने साथियों के साथ आराम करेंगे। तो बिल्कुल, बेशक राजनीतिक जो पारा है, बेशक तापमान अभी कम हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार उबाल मार रहा है। और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी को 5 दिन की रिमांड पर सौंपे जाने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।